इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं आप, इतने सालों से एक अहम भूमिका भी निभा रहे हैं आप, कहीं ना कहीं उद्योग जगत से लेकर डी मॉर्निंग, अगर मैं पैसों की बात करूं, जो भी है ना जो करंट मुद्दा चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? इसका जवाब तो देश की जनता ने दे चुका है और एक बहुत अच्छा एक साहसी लीडर हमारे बीच है, उसने बड़ी हिम्मत से ये कर दिखाया है कि जो सोचा वो करके दिखाया है, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का टंका आने वाले समय में ज़रूर बजेगा, क्योंकि मोदी साहब जो मिशन लेके चले हैं वो मिशन इम्पॉसिबल था लेकिन उन्होंने उसे पॉसिबल कर दिया। ओके, मेरा आखिरी सवाल, रॉकन 2 जैसी फिल्म रिलीज होती है और उसी दौरान 1500 के नोट बंद होते हैं, फिल्म अच्छी होने के बावजूद चलती नहीं है, जावेद अख्तर साहब स्टेटमेंट देते हैं कि क्योंकि पैसे में बदलाव हुआ इसलिए फिल्म फ्लॉप हो गई, आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप इंडस्ट्री का हिस्सा हैं? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। ये ज़रूरी नहीं है कि देखिए गवर्नमेंट किसी फिल्म के रिलीज़ होने की वजह से अपने पॉलिटिकल मूव को नहीं रोकेगी, ये बहुत पहले से प्लानिंग होती है और कोई भी चीज़ जब सामने आती है तो उसके पीछे 8-10 महीना साल उस चीज़ को लेकर आए कि किसी फिल्म के रिलीज़ होने या ना होने से उसको रोका या चलाया नहीं जा सकता। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, वो पॉलिसीज़ कब इम्प्लीमेंट करनी है सरकार जानती है। ओके, लेकिन जावेद साहब का कहना है कि रॉकन 2 फ्लॉप इसलिए हुई क्योंकि पैसों में बदलाव करा। ये जावेद साहब की सोच हो सकती है, मेरी सोच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।